हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चौका हेवन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी का उत्सव आ रहा है, गणेश महोत्सव आ रहा है। तो मोदक की रेसिपी ना बने ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान तरीके से। कैसे मोदक बनेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक पैन, पैन को गैस में चढ़ाया और उसमें मैंने डाला है 250 ग्राम खोआ। अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। खोआ गर्म होने पर आप देखिए एकदम ये सॉफ्ट होने लगा है। इसे हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। आज के मोदक बहुत जल्दी बनेंगे, ज़्यादा सामान नहीं लगेगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो देखिए लगभग 10 मिनट हो गया, खोआ एकदम मुलायम हो गया है। अब मैंने इसमें डाला है लगभग 4 टेबल स्पून चीनी और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को हम खोआ में अच्छी तरह से मिलाएंगे और कम से कम 5 मिनट तक खोआ को भूनेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में टाइम कम है और मोदक की रेसिपी को बनाना है तो इससे बढ़िया ऑप्शन और कोई नहीं होगा। अच्छे तरह से खोआ भुन जाने के बाद मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसे प्लेट में फैलाकर अच्छे तरह ठंडा कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल रंग का फूड कलर। मैं लिक्विड कलर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड कलर नहीं है तो आप पाउडर वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे ढंग से मिला देती हूँ। मुझे इसका कलर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं पाउडर वाला कलर भी इसमें ऐड करूँगी, जिससे कि खोए का कलर अच्छा हो जाएगा और मोदक हमारे अच्छे दिखेंगे। देखिए, पाउडर वाला कलर मिलाने के बाद में इसका कलर ज़्यादा अच्छा आया। चलिए अब हम येलो कलर भी तैयार कर लेते हैं। दूसरी प्लेट को ही मैंने ले लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 चुटकी पीला रंग और मैं इसे अच्छे ढंग से मिला लूँगी। इसका हम डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, मोदक गणपति भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए मैं आपको मोदक की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। मोदक वैसे तो कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं खोआ से मोदक कैसे बनाना है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज का मोदक बनाने के लिए मैंने मोदक मोल्ड लिया है। मैं इसका लॉक पिन हटा लेती हूँ और मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से मोदक बनाए जाएंगे। अभी मैं इसको लॉक कर देती हूँ। अब मैं खोआ को लूँगी और बैक साइड से इसमें अंदर की ओर खोआ भरूँगी और फिंगर की सहायता से इसे प्रेस करूँगी, जिससे कि शेप बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो मोदक का शेप अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा सा खोआ लेकर के सांचे में डालते जाइए और फिंगर से प्रेस करते जाइए, जिससे कि मोदक का शेप बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। चलिए, मोदक तैयार हो गया। तो चलिए, अब मैं सांचे का लॉक पिन हटा लेती हूँ और मैं मोल्ड को ओपन करके दिखाती हूँ कि मोदक कैसा बना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर मोदक बना है। ये मोल्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेप बन करके आया है। चलिए, एक कलर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बाकी के मोदक भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मोदक बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चौका हेवन चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ अबाउट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। येलो वाले मैंने मोदक बना लिए, इसके बाद मैं लाल वाले मोदक भी उसी प्रोसेस से बनाऊंगी जैसे हमने पीले वाले मोदक बनाए थे। खोआ को मोल्ड में डालेंगे, फिंगर से प्रेस करते हुए खोआ को सांचे में सेट करेंगे। अब लीजिए, मोदक बन करके तैयार है। बाकी के मोदक भी इसी प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। फटाफट से सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा को मैं डेली ताज़ा मोदक बना करके भोग में लगाऊंगी, वो भी अलग अलग तरह से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिए। आपको कई तरह के मोदक की रेसिपी मेरे चैनल पर हर दिन मिलेगी।
तब तक के लिए मैं चलती हूँ नए तरीके की रेसिपी बनाने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।